मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज ना मैंने सुबह सुबह आप लोगों को क्लाइमेट दिखा रही है, क्योंकि 3-4 दिन से इतना ज़्यादा बारिश दे रहा था और मतलब बारिश के साथ ना ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था। इस वजह से ना मतलब सबका तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था, सर्दी जुकाम ऐसे ही था। और जॉय को तो 3-4 दिन हो गया है, इतना कोल्ड कफ है। और कोल्ड कफ होने से तो पता है कैसे लगता है, बड़े तो कैसे हो जाते हैं और छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। मेडिसिन वगैरह दिया, फिर मैंने उसको विक्स वगैरह ये सब पूरे जितने भी ट्रीटमेंट है उसको करवाया, तो आज थोड़ा वो ठीक है। और आज थोड़ा क्लाइमेट जो है वो खुल गया है, तो देखिए ये आज का क्लाइमेट है। तो अभी चलिए मैं ना जो रूटीन का काम है मेरा, घर का जो वर्क रूटीन है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। घर का जो बेसिक काम उसको ख़त्म करके मैं आ गई हूँ। फूल तोड़ने के लिए आंटी जी नहीं है, इसीलिए ये जो काम है मेरा रूटीन के अंदर इंक्लूड हो गया है। और ये ना मैं ज़्यादा ही नहीं तोड़ूंगी, फूल ना पेड़ में रहने से अच्छा ही लगता है, और पूजा के लिए जितना ही चाहिए उतना ही बांस लूँगी। और आज इतना अच्छा से धूप दिया है ना, पहले मैंने कपड़ा धुला के सुखा दिया हूँ। आज बहुत एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि घर का जो रूटीन काम होता है वो काम एक ही टाइप का नहीं होता है, हर दिन हम एक्स्ट्रा काम इंक्लूड करते हैं। और इधर फूल ना बहुत वेराइटीज फूल है, इसीलिए बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए मैं ना फूल तोड़ के फिर आज तो ना आऊँगी लेट में, लेट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग में उठी थी धूप देख के, जितना टाइम में वो मतलब रोज उठती थी ना उससे ज़्यादा आज उठ गई थी, क्योंकि आंटी जी नहीं है, उनका ड्यूटी भी मुझे करना पड़ रहा है। तो इधर टाइमिंग का पानी आता है तो मोटर ऑन करना पड़ेगा, 7 से 9 बजे तक ही पानी आएगा, तो उसी के अंदर में ही आपको मोटर का स्विच दो मतलब ऑन करना है। तो अभी मैंने मोटर का स्विच ऑन कर दिया हूँ और पिलो के ले आई हूँ धूप दिखाने के लिए। ये तो रोज़ हम नहीं करते, मैं 1 हफ्ता 8 दिन ऐसे ही अंदर में करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी इधर 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, हर चीज़ ना गीला गीला लग रहा है, भीगा हुआ लग रहा है। और गदा तो उठा के खुद नहीं ला पाऊँगी, इसीलिए पिलो जितना भी है उसको मैंने अभी धूप दिखा दूँगी। और एक रूम का बेडशीट आज धुला दिया था, तो ये रूम का मैंने अभी बेडशीट डाल दूँगी। तो सोचा कि नहाने से पहले ये सब काम मैंने ख़त्म कर लेती हूँ। तो क्वीन साइज़ का बेड ये है ना, इसी में मेरा सिर्फ 2 या 3 ही बेडशीट होगा, पिलो कवर तो बिल्कुल नहीं है, ये एक ही पिलो कवर मेरे पास है। गुड मॉर्निंग, अभी मेरा घर का पूरा जो काम वो हो गया है, मेरा पर्सनल काम वो भी हो गया है। और इधर ना मैं बात कर रही हूँ, आप लोग को आवाज आता होगा, इधर मोटर चल रहा है ना इसीलिए थोड़ा सा साउंड आता होगा। तो अभी जल्दी मैं चाय पीने के लिए, और चाय ना आज खुद नहीं बनाऊंगी, मैंने भाई ने बना के रख दिया है, सिर्फ गर्म करके मैं पी लूँगी। और अभी टाइम हुआ है, मैं जब आप लोग के साथ बात किया ना उस टाइम में 8:20 हो रहा था, और अभी शायद 8:25 ऐसे कुछ होता होगा, तो टाइम दिखाती हूँ आप लोग। ये रहा टाइम, टाइम सही था, सिर्फ 1-2 मिनट का ऐसे ही फर्क था, चल जाएगा। तो चलिए चाय पीते हैं, क्योंकि आज ना मैं खुद नहीं चाय बनाई हूँ, मोटर ना आवाज़ दिया, पानी भर गया है टंकी में। चाय थोड़ा ना गरम कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाऊंगी आज, कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन हम अच्छा से खाएंगे, क्योंकि कल रात से ना मैंने बना के पहले रख दिया था। और चाय ना मैं भाई के हाथ का चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि वो इतना कड़क बना देता है, मैं नहीं पी पाती हूँ, कड़क वाला चाय मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हल्का हो तो मैं पी लेती हूँ। तो भाई ने बोला कि तेरे लिए पहले निकाल देता हूँ, उसके बाद फिर ज़्यादा चाय पत्ती जो है मैं डाल दूंगा, मैं बोला तब ठीक है। तो अभी ये मेरा हो गया गर्म, और ब्रेकफास्ट क्या करेंगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कल रात में ही बना के रख दिया था। और ये चीज़ ना लैपटॉप पर ही अच्छा लगता है, आप सोचोगे ये हम सुबह बनाएंगे खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है,
जैसे आप लैपटॉप भर में बना के रखोगे, मतलब पर रात में बना के रखोगे, तब सुबह खाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रहा, मैं ये रेसिपी भी आप लोग के साथ ना शायद एक दो बार शेयर किया हूँ। ये देखिए, ये जो पिठा है मिनी चिताऊ, ये ही बना के रखी थी, क्योंकि 1 किलो का दूध जो है वो ही ऐसे ही था, दूध ना मेरे पास 1 किलो जैसा ही दूध था, तो मैंने सोचा ऐसे ही बना के मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए, मेरा चाय ना ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। मैं तो इतना गर्म चाय भी नहीं पीती हूँ, पूरा ठंडा होने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो मम्मी लोग बोलते हैं ना, तू चाय क्यों पी रही है बोल के, इतना ठंडा शरबत करके पी रही है। तो चलिए, जैसा जिसको अच्छा लगे, और क्या करें। आंटी जी अंकल जी कोई भी नहीं है, इसीलिए आज अच्छा नहीं लग रहा था और डिब्बा से सौर भी मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने अभी ना चाय पीने के बाद बैठी थी तो मुझे याद आ गया डिब्बा से ख़त्म हो गया है सौर, फिर सो भर लिया। और जय देखे लेके डस्टबिन में डाल देगा। छोटे बच्चे को ना ऐसे छोटे छोटे चीज़ आप सिखाते रहोगे तो खुद से कर लेते। अभी मेरा फ्लोर में कोई भी चीज़ गिरा रहता है ना, वो लेके फट से डस्टबिन में डाल दे रहा है, तो इसीलिए मैं उसको ना प्यार कर रही हूँ। देखिए वो ना ज्यादा मतलब खुद का दिमाग के हिसाब से वो काम कर लेता है, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। पिठा कितना सॉफ्ट हुआ है, मैं थोड़ा स्पून से ना आप लोग को काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। 2 4 दिन से ना कुछ खाने के लिए मन नहीं हो रहा था और टेस्टी भी नहीं लग रहा था, और आज ना मैं टाइम लेके ब्रेकफास्ट किया हूँ, बहुत अच्छा लगा आज खाने के लिए। तो मम्मी भी आई थी और मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा 10 15 मिनट तक मैंने खाते रही, और इधर फेरी वाला भी आए थे ना, तो मेरा जो कढ़ाई है ना उसका बड़ा कढ़ाई का लीड नहीं था, तो मैंने सोचा एक कवर रख देते, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। छोटा वाला वो लीड भी था थोड़ा ना इसी ऊपर का वजह। जो ब्लैक कलर का टोपरी नहीं होता है वो टूट गया है, इसीलिए मैंने सोचा मार्केट तो जा ही नहीं पा रही हूँ और फेरी आया था, तो इसीलिए मैं ये वाला ढक्कन ना ये रखी हूँ। तो दो बड़ा कढ़ाई है उसके लिए मेरा ढक्कन नहीं है, जो लीड है वो नहीं था, सिर्फ एक में मैं काम चला रही थी वो भी छोटा था, इसीलिए ना मैं कढ़ाई का मेजरमेंट करके देखिए, दो कढ़ाई के लिए हो जा रहा है, एक को थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और एक को पूरा फिट हो रहा है, ये देखिए तो एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये वाला एक लीड रख लिया, और पहले से 2 मैंने ट्रे रखी थी वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, अच्छा है लेकिन ये इतना हैवी नहीं है, हल्का है, काम चलेगा। फिर मार्केट जाऊंगी तो फिर देख लूंगी कभी ना, लीड तो सिर्फ ढकना है और कुछ काम नहीं है। तो अभी चलती हूँ, पैसा दूंगी, ये 70 रुपीज़ में ही मुझे मिला, ये देखिए। तो चलिए, धूप में खड़े हैं ना भैया, मैं उनको पैसा दे देती हूँ। और ब्रेकफास्ट के बाद ये देखिए, बर्तन सारे को सारे बर्तन मैंने धुला लिया हूँ, और अभी मैं खाना बनाऊंगी। बस आज तो कड़क धूप है, दिल खुश हो जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ ना थोड़ा सूखना भी चाहिए, ऐसे गीला रहता है, अजीब स्मेल आता है, मुझे स्मेल से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो चलिए, मैं भैया जी को ना पैसा दे देती हूँ, और वो बोल रहे थे टूटा मोटा मोबाइल है तो दे दो बोल के, मैं बोला देख के निकालूंगी, क्योंकि इधर भी तो मोबाइल एक्सचेंज हो रहा है ना देख के, क्योंकि मेरा एक है मैक्स का ना एक मोबाइल है, देखते तो हैं। अभी मैंने वो जो ढक्कन लेके आई हूँ उसी के साथ ढक्कन धुला लूँगी, कढ़ाई भी धुला दूँगी, क्योंकि कढ़ाई लेके गई थी ना मेजरमेंट के लिए इसीलिए। और आज मैंने सब्जी में बना रही हूँ दाल दही बैंगन और एक मिक्स सब्जी जो बोलते उसको बना रही हूँ। तो इधर देखिए मिक्स सब्जी जो है उसको मैंने नमक हल्दी दे के बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जो नया ढक्कन रखा था ना उसी को ढक के मैं बना रही हूँ। तो कब से सोच रही थी ढक्कन रखूँगी रखूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उसके साथ ढक्कन नहीं था, छोटा वाला जो मेरा ढक्कन था उसको ढक ढक के मैं बना रही थी, वो भी टूट गया है। ऊपर से जो ब्लैक कलर का टोपरी होता है ना उससे थोड़ा सा मतलब छूट गया है, तो उसे एयर पास कर रहा था। इधर मैं ना मेरा जो कपड़ा वो सूख गया था, अर्ली मॉर्निंग में ही कपड़ा मैंने डाल दिया था इसीलिए, और एक दो ठो कपड़ा जो रहेगा उसको पलटा के फिर मैंने चले जाऊंगी। तो चलिए अभी सब्जी चेक कर लेते हैं, सब्जी मेरा बहुत अच्छा से बॉयल हो गया
गया था और अभी हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का में ना मैंने तेल दिया था, जीरा और ड्राई चिली डाल दिया था, देन अदरक लहसुन प्याज को कूट के डाल देंगे, तब जाके ये अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी भी होता है। इधर देखिए बैगन को मैं फ्राई करके रखी हूँ और दही में नमक हल्दी अच्छा से मिला के रख देंगे। हाँ, हम लोग ऐसे ही दही बैगन दही भिंडी बनाते हैं। और इसी में मैं अभी ड्राई मसाला डाल दूंगी, जैसे बेसिक मसाला होता है हमारा, नमक हल्दी मिर्च पाउडर। और अभी देखिए टिफिन में जो ना मैं वो दाल को बॉईल करके रखी थी, साबुत वाला मूंग, चना दाल और चना, तीन दाल को मिला के मैंने बॉईल करके रखी थी। और इसको मिला के लास्ट में हम गरम मसाला का टच दे देंगे, बस हो गया है। और मैं पूरे घर को अभी झाड़ू लगा के ले आया हूँ। तो दिन में अब जितने बार झाड़ू लगाए उतना ही डस्ट निकलता रहता है। थोड़ा सा धूल ना मेरा पैर में लग जाने से अच्छा नहीं लगता है। तो अभी थोड़ा लंच बना के फिर खा के रेस्ट करके आप लोग के साथ बात गुड इवनिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 5:45 और मैं थोड़ा ना सो के उठ रही हूँ और चाय बिठा के थोड़ा सा मुंह धुला के आ गई हूँ, क्योंकि सुबह और शाम ना थोड़ा सा चाय, बस इतना सा चाय होने से हो जाएगा। और थोड़ा भी चाय अगर नहीं होता है ना, लगता है कुछ चीज़ मैंने मिस किया हूँ, ऐसे ही लगता है। तो वो जो 2-4 दिन हो गया जो नहीं सो रहा था, और रात में भी जो है ना इतना नहीं सोता है, बार 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 ऐसे ही उठता रहता है। तो एक बार नींद खराब हो जाने से ना, नींद इतना जल्दी आता ही नहीं, बोलते हैं ना 1 करोड़ का नींद क्यों खराब किया, ऐसे ही बातें बातें में बोल देते हैं ना। अगर नींद एक बार टूट जाता है ना, नींद आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कभी कभी नींद आता ही नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल ऐसे ही मतलब 1.5 साल हो गया हो रहा है, कभी जॉय सोएगा तो मैं सोऊंगी, नहीं सोएगा बार बार उठते रहता है तो मेरा नींद भी खराब होता रहता है। छोड़िए, और क्या कर सकेंगे, और ऐसे भी उसका तबीयत खराब है तो गोदी में सोने के लिए हो रहा है ना। सिर्फ आप गोदी में पकड़ के उसको मतलब सुलाओ, वो जाके सो जाता है, नहीं तो फिर बार बार उठता है। और सर्दी जुकाम में इतना तो मतलब प्रॉब्लम होता है, आप जितना नज़ल ड्रॉप डालो, विक्स लगाओ, मेडिसिन वगैरह दो, लेकिन सर्दी जुकाम 3-4 दिन तक ना आराम नहीं देता है। तो चलिए, अभी शाम का टाइम हो रहा है और चाय भी मेरा हो गया होगा, और रात का सिर्फ डिनर बनाऊंगी और कुछ नहीं। डिनर में सोच रही हूँ आज ना तड़का बना दूंगी, दाल तड़का ना, बहुत काफ़ी ज़्यादा मूंग मेरे पास है तो उसी को दाल भी है ना, तो मैं बना मेरे रही पास एक न्यू साड़ी था तो मैंने सोचा अभी उसका जो ब्लाउज पीस है उसको काट के अलग कर लेती हूँ। जैसे कोई मार्केट जाते होंगे तो उनको ब्लाउज पीस देने से वो फॉल्स और लाइनिंग दोनों ले आएंगे, ऐसे साड़ी देने से ना कोई लेने के लिए राजी नहीं होते इसीलिए। और पिको करना भी मुझे आता है लेकिन पिको मशीन जो है मेरे पास नहीं है। और ये साड़ी जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा आया है, इतना भी हल्का नहीं है, आप ऐसे ही पहन सकते हो, मतलब मार्केट भी जा सकते हो और घर पे भी पहन सकते हो। बहुत अच्छा लगा, इस कलर का साड़ी मेरे पास नहीं था। तो अभी देखिए साड़ी वगैरह मैंने फोल्ड करके रख देती चार बार हूँ। अच्छा से पानी में धुला के फिर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से पानी दे दिया हूँ, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और देन मेरे पास ना होल गरम मसाला का बहुत सारे टुकड़ा है, इसीलिए दाल के साथ इसको भी डाल दे रही हूँ, तो फ्लेवर बहुत अच्छा से आएगा। Thank you.